हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू जे एग्ज़ाम इन्फू दोस्तों आज हम लोग बात करने जा रहे हैं लेटरल इंट्री जो इंजीनियरिंग लेटरल इंट्री का फर्स्ट राउंड काउंसलिंग होने के बाद जो है सीट बच गया है जितना भी झारखंड में इंजीनियरिंग कॉलेज है पीपीपी -पी -पी मोड पे फ्री सीट हो गया या पेड सीट हो गया बी आई और भी प्राइवेट कॉलेज जितना गवर्नमेंट कॉलेज है सब में एडमिशन होने के बाद सेकेंड राउंड काउंसलिंग के लिए जो है निकाला गया है तो सेकंड राउंड काउंसलिंग का चॉइस फिलिंग कब से कब तक कर सकते हैं इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स क्या लगेंगे और उसका एडमिशन का लास्ट डेट क्या है सारा कुछ हम लोग यहाँ पे देखेंगे तो जो जो स्टूडेंट ब्रांच या कॉलेज चेंज कराना चाहते हैं फर्स्ट राउंड काउंसलिंग में जिनका अलर्ट हुआ था और वो लोग एडमिशन करा लिए हैं वो लोग सेकेंड काउंसलिंग में जो है अपना चेंज करा सकते हैं तो चलिए देखते हैं कि क्या क्या इंपॉर्टेंट डेट्स है तो जो जो फर्स्ट राउंड काउंसलिंग में पार्टिसिपेट किए थे या जो नहीं कर पाए थे वो लोग के लिए एक इंपॉर्टेंट नोटिस है कि वो लोग जो है शेयर कर दीजिए एक इंपॉर्टेंट है सेकंड राउंड काउंसलिंग के लिए तो फर्स्ट राउंड काउंसलिंग ये था और सेकंड राउंड काउंसलिंग क्या है तो वो मैं बता देता हूँ जो पहली बार पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो यहाँ पे लिखा वैसे अभ्यर्थी जो प्रथम चक्र शाख से नामांकित है तथा तो रिक्त बच्चे सीटों पर शाखा या संस्थान परिवर्तन करना चाहते हैं तो वो लोग भी जो है द्वितीय शास्त्र में शामिल हो सकते हैं सेकेंड राउंड काउंसलिंग में हो सकते हैं और जो जो अपना चेंज कराना चाहते हैं वो लोग भी नेक्स्ट जो है हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि अभ्यर्थियों द्वारा संस्थान संस्थानों तथा शाखा साका, शाखाओं का प्राथमिकता के अनुसार विकल्पों को भरा जाना है और विकल्पों को भरने की संख्या पर कोई प्रतिबंध नहीं है मतलब चॉइस फिलिंग आप जितना कॉलेज चाहे उतना कॉलेज आप अपना सेलेक्ट कर सकते हैं ताकि आपको कोई ना कोई कॉलेज में एडमिशन हो सके और कोई सीट अलर्ट हो सके और फी क्या रहेगा तो आप देख सकते हैं कि जनरल ई डब्ल्यू एस बी सी वन बी सी टू के लिए सीट चार सौ है और एस सी एस टी फीमेल कैंडिडेट ऑफ ऑल कैटेगरी के लिए दो सौ पचास रुपया है ठीक है सीट आवंटन है तो आंशिक नामांकन शुल्क जो है वन थाउजेंड रुपी है अलॉटमेंट लेटर जब डाउनलोड कीजिएगा जब सीट अलर्ट हो जाएगा आपका उस समय एक हज़ार रुपये का पेमेंट करना होगा और उसके बाद अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड होने के बाद आपको जिस कॉलेज में अलर्ट होगा वहाँ पर जाकर आप एडमिशन करा सकते हैं तो सेकंड राउंड काउंसलिंग का बात करेंगे तो स्टार्टिंग डेट है पच्चीस से लेकर उनतीस तक ये डेट है लास्ट डेट आपका उनतीस दिसंबर तक है और इशू प्रोविजनल सीट अलॉटमेंट लेटर वो दो जनवरी से आठ जनवरी के बीच इशू होगा और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड एडमिशन इन कंसल्ट इंस्टीट्यूट तीन जनवरी से लेकर आठ जनवरी दो के बीच जो है आप एडमिशन करा सकते हैं लेटरल इंट्री इंजीनियरिंग डिप्लोमा टू डिग्री का है पॉलिटेक्निक जो है लेटरल इंट्री जो होता है डायरेक्ट थर्ड ईयर में सेकंड ईयर में थर्ड सेमेस्टर में तो ये था तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो कीप सपोर्टिंग कीप वाचिंग थैंक यू वेरी मच